हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में और भी कुछ नया सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं, हमने एक लिस्ट के नाम से वेरिएबल बनाया और वो एम्प्टी लिस्ट है, यानी कि उसमें हमने कोई नंबर स्टोर नहीं कराए, उसको हमने डिस्प्ले कराया है और फिर उसके हमने टाइप पूछी है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और दूसरी फाइल में इसको यहाँ पेस्ट करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ अब हम इसको चेक करते हैं तो आप देखते हैं वो ब्लैंक लिस्ट को हमें डिस्प्ले कर रहा है और वो बता रहा है वो उसकी क्लास लिस्ट है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे लिस्ट लिखा इसलिए वो बता रहा है, हमने उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, तो यानी कि वो वेरिएबल अब एक लिस्ट टाइप का है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, हमने यहाँ पर कर दिया एक्स। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया इसको एक्स, ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको एक्स कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको रन कराते हैं तो अभी भी ये बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये इसके क्लास लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आगे चल के अब हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नंबर स्टोर कराएंगे, तो अब ये हो जाता है वेरिएबल अब हमारा टपल। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टपल के बारे में ही होगी। इसका हम आउटपुट देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये बता रहा है टपल, ठीक है। तो इसमें हमने नंबर कुछ भी स्टोर कराए हो, अगर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो हो जाता है लिस्ट, और अगर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हैं तो वो हो जाता है टपल, ठीक है। और एक चीज़ और होती है सेट और डिक्शनरी। अब हमने यहाँ पे लगाया है कर्ली ब्रेसेस, तो अब ये हमें बताएगा कि वो डिक्शनरी है। देखिए हम इसका आउटपुट देखते हैं ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वैसे तो पाइथन में चार चीज़ें होती हैं, एक होता है लिस्ट, टपल और एक सेट भी होता है, लेकिन अब सेट का चैप्टर नहीं है पाइथन में, बहुत सी बुक्स में अब नहीं होता, लेकिन पहले हम सेट भी पढ़ाते थे कि जब यहाँ पर हमने इस तरीके से ब्रैकेट लगाया तो ये लिस्ट कहलाता है, अगर हमने राउंड ब्रैकेट्स लगाया तो ये टपल हो गया, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। और अगर हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया है तो ये कहलाता था सेट, लेकिन अब ये डिक्शनरी है क्योंकि इसमें और भी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। डिक्शनरी के प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, लिस्ट की अलग होती हैं और टपल की अलग होती है, ठीक है। चलिए फिलहाल तो अब हमें बस अभी इतना ध्यान रखना है कि अगर उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट है तो एक्स वेरिएबल ये क्लास टाइप यानी कि लिस्ट के कहलाएगा। इसका आउटपुट देख लेते हैं फिर से, तो इसकी टाइप कौन सी हो गई लिस्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसमें हमने नंबर स्टोर करा रखे हैं, तो आप लिस्ट के अंदर नंबर भी स्टोर करा सकते हैं, करेक्टर भी स्टोर करा सकते हैं, और चाहे तो ट्रू फॉल्स भी स्टोर करा सकते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, लिस्ट इजगल टू ईवल, ईवल फंक्शंस होता है एवुलेट। इसमें क्या होता है, हम लिस्ट के अंदर अपनी मनमर्जी से जब रन कराएंगे कुछ भी नंबर स्टोर करा सकते हैं। अभी तक आपने देखा था जो भी हमने लास्ट वीडियो देखे लिस्ट के बारे में, तो उसमें हमने नंबर या फ्रूट्स नेम या कोई भी नाम पहले से ही स्टोर करा रखे थे। इसमें अब हम रन कराने के वक्त अपनी मर्जी से कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, तो इसका हम आउटपुट देखते हैं। पहले हम यहाँ पे इस फाइल में से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया और अब हम इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर स्टोर कराते चल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये साथ के साथ। तो ये जो हम कर पाए हैं ये हम ईवेल फंक्शंस की वजह से कर पाए। ओके, यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने लिस्ट के अंदर कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं, वो पूरा एक सेंटेंस भी हो सकता है। यहाँ पर हमने बहुत सारी वैल्यूज़ अलग स्टोर कराई हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया, लिस्ट इजगल टू राम श्याम और मोहन कृष्णा, क्रिएटिंग अ मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बाय नेस्टिंग अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। तो आप इस तरह से नेस्टेड लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं कि एक ही लिस्ट में दो लिस्ट भी स्टोर करा सकते हैं। तो इसको भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं और रन करा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये इस तरीके से हमें डिस्प्ले कर रहा है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़, यानी कि आप लिस्ट में अलग अलग वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं, मतलब जो वैल्यू रिपीट भी हो सकती है। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि लिस्ट में आपने नंबर भी स्टोर कराया है, स्ट्रिंग भी स्टोर कराया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कराया स्टोर, ट्रू फॉल्स भी करा सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी करा सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने कभी सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस या जावा पढ़ी हो, तो उसमें एक एरे नाम की चीज़ होती है जिसमें आप केवल एक ही चीज़ स्टोर करा सकते हैं, या तो वो सारे नंबर हो, या सारे वो स्ट्रिंग हो, या सारे वो पॉइंट्स वाले नंबर हो, फ्लोटिंग नंबर्स। लेकिन केवल पाइथन में ऐसा होता है कि लिस्ट में आप अलग अलग चीज़ें भी स्टोर करा सकते हैं एक ही वेरिएबल में, एक ही लिस्ट में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है str1 इजल टू राम इज अ गुड बाय। तो अब ये स्प्लिट फंक्शंस के द्वारा हम लिस्ट क्रिएट करेंगे कि जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगा उसको वो अलग अलग कर देगा। इसको यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसने अलग अलग ऐसे कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जहाँ जहाँ इसे कॉमा मिलेगा वो उसको अलग अलग कर देगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है, जहाँ जहाँ कॉमा था उसने उसको अलग कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक कॉमा हटा देते हैं, तो हम देखेंगे श्याम और मोहन को उसने एक साथ कर दिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जहाँ जहाँ कॉलन लिखा है वहाँ से स्प्लिट कर देगा और लिस्ट तैयार कर देगा। यहाँ पर यह है एक्स इजिकल टू राम श्याम मोहन ABC इजिकल टू एक्स डॉट स्प्लिट। तो वो क्या करेगा, राम को एक अंदर स्टोर करा देगा, श्याम को बी में और मोहन को सी में। आप इसको चेक कर सकते हैं, रन करा के देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एक नम्स वेरिएबल है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर पहले से स्टोर है। हमने लिखा प्रिंट नम्स डॉट स्प्लिट कॉमा टू, तो यानी कि ये टू नंबर्स को तो अलग रखेगा और बाकी सारे के सारे एक ही उसमें स्टोर जाएंगे। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसे कॉपी किया और इस फाइल के अंदर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें शुरू के दो नंबर तो अलग रखे हैं और बाकी सब एक साथ। अब इसमें हम और भी चेंज करके देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे कर दिया 5। अब इसको चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर अलग हैं और बाकी सब एक तरफ है। अब हम एक बार यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया 0। तो अब ये क्या करेगा, ये सबको एक ही साथ रख देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए वापस यहाँ पर आते हैं। तो आप देख के समझ गए, इसमें 1 एक एलिमेंट्स एक तरफ रहेगा, बाकी सब एक तरफ। चलिए अब यहाँ पे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना रखा था नम, जिसमें नंबर स्टोर थे। अब यहाँ पर हमने ग्रोसरी के नाम से वेरिएबल बना रखा है जिसके अंदर सारे स्ट्रिंग हैं। तो ये भी सेम वैसे ही काम करेगा जैसे वो था। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और इसको चेक कर लेते हैं। तो इसने भी इसने क्या, एप्पल ऑरेंज को एक तरफ रखा और मैंगो बनाना पाइनएप्पल अलग रखा है। और यहाँ पर जो ये वेरिएबल है ये तो इस जगह हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ये ग्रोसरी लिखा है, XYZ कुछ भी ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ रखा है कि लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन भी होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन भी होता है, कि आप इस नंबर को 0, 1, 2, 3 से पढ़ सकते हो और -1, -2, 3 से पढ़ सकते हो। आप ये देख सकते हैं जब हमने यहाँ पे ये लिखा है लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 से कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले करेगा, ये 20 को। और हमने लिस्ट -4 लिखा तो भी कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले करेगा, 20 को। तो इसको डिस्प्ले कराने के दोनों तरीके हैं, ये आपको पता ही है। आप स्टूडेंट्स, आप इन सब प्रोग्राम को कॉपी में नोट करें और फिर इनको चेक करें, प्रैक्टिस भी करें। ओके स्टूडेंट्स,